हॉकी इंडिया ने साल के अंत तक पीआर श्रीजेश को पुरुष और रानी रामपाल को महिला टीम की कमान सौंप दी है। श्रीजेश चोट से उबरने के बाद फिर से कप्तान बने, जबकि रानी 2018 में सभी टूर्नामेंटों में कप्तान रहेंगी, जिसमें जुलाई में होने वाले विश्व कप और जकार्ता में होने वाले एशियाई खेल शामिल हैं। श्रीजेश को 2016 में चैंपियंस ट्रॉफी में कप्तानी दी गई थी, जब भारत ने रजत पदक जीता था। श्रीजेश को पिछले साल सुल्तान अफजल शाह कप में उन्हें घुटने में चोट लगी। श्रीजेश जनवरी में न्यूजीलैंड में हुए चार देशों के आमंत्रण टूर्नामेंट से टीम में लौटे, तब भारतीय टीम यहां दूसरे स्थान पर रही। उधर रानी की कप्तानी में भारतीय महिला टीम ने एशिया कप जीता, टीम 12वें से 10वें स्थान पर पहुंच गई। गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेलों में 12 साल में पहली बार टीम सेमीफाइनल में पहुंची। हॉकी इंडिया के महासचिव मोहम्मद मुश्ताक अहमद का कहना है कि वर्ष भर के लिए सभी टूर्नामेंटों के लिए एक कप्तान बनने के पीछे का मकसद टीम में स्थायित्व लाना है। नेक्स्ट नाइट स्पोर्ट डेस्क से अंकुर अस्थाना की रिपोर्ट।